हेलो गाइस आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैच लाइव विद नेहा में दिल से स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं ये सर्दियों के बारे में एक्चुअली सर्दियां आ गई हैं और मैंने अभी तक अपने गर्म कपड़े नहीं निकाले हैं और अभी रोज़ाना मेरे को बोल रहा है कि कपड़े निकाल ले तो एक एक निकाल देती हूँ और वो पहन के चले जाते हैं तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज कपड़े मैं निकाल देती हूँ और लेकिन एक और प्रॉब्लम है कि कपड़े तो मैं निकाल दू क्योंकि सारे जो अलमीरा है जैसे ये है मतलब पूरा फुल है ऑलरेडी कपड़ों से तो मैं गर्मी के कपड़े कहाँ लगाऊंगी इतने सारे तो देखो कि मेरे जुगाड़ में क्या बिठाती हूँ और मैं कैसे कपड़े लगाती हूँ सब कुछ भरा हुआ है इधर भी नीचे देखो चारों तरफ ही कपड़े कपड़े हैं तो सबसे पहले तो यही करना है अभी के कपड़े मैं सोच रही हूँ इसमें लगा देती हूँ इसमें से अपनी साड़ियाँ जो मैं अब सर्दियों में नहीं पहनने वाली हूँ वो सब मैं बंद करके रख देती हूँ और इसमें मैं लगाती हूँ अभी के गर्म कपड़े है ना और ये साड़ियाँ इसमें से कुछ जो मैं बात कर रही थी कि ये वाली पहनूंगी इस बार ये वाली वो वाली बस रख ले रही हूँ बाद बाकी मैं सब पैक करके रख देती हूँ क्योंकि फिर जगह हो जाएगी गर्म कपड़ों के लिए क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो गर्म कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत है तो सबसे बड़ा काम तो यही था कि अपने जो गर्मियों वाले कपड़े हैं उनको निकाल के और फिर उनकी जगह पे सर्दियों वाले कपड़े रखना तो पहले फिर मैं अपनी साड़ियाँ हटा देती हूँ क्योंकि वैसे भी मैं अब सर्दियाँ आ रही हैं तो पहन ही नहीं पाती हूँ सर्दियों में तो साड़ी बहुत कम पहन पाती हूँ क्योंकि अधिकतर तो सिल्क ही चलती है सर्दी में क्योंकि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा भारी होता है और इतनी ठंड नहीं लगती है ये काफ़ी हल्की हल्की हैं तो जो भी हल्की साड़ियाँ हैं ना या डे देल, डेली पहनने वाली जो सिंपल थी उन सबको मैं उठा के रख देती हूँ बस कुछ मैंने निकाल ली है जिनको मैं सोच रही थी कि इनको मैं पहनूँगी और एक साइड की सारी साड़ियाँ मैं निकाल के अलग रख देती हूँ यानी उसी बक्से में साड़, सारी साड़ियाँ निकाल के जो रखनी है वो तो एक साइड कर दे रही हूँ और जो मेरे को आ, अंदर रखनी है बक्से में जाने कि जिन्हें अब मैं नहीं पहनूँगी तो वो सब मैं जैसे एक मेरे पास ये बैग टाइप का था इसमें भर देती हूँ सारी कुछ साड़ियाँ तो मैं तय कर करके अच्छे से और उनके ब्लाउज भी जिससे कि जब मैं निकालूं तो ना खोएं उसी में रख देती हूँ तो पीछे आप लोग देख सकते हैं अलमीरा को मैंने एकदम कर दिया है खाली और जो भी इसमें साड़ियाँ वगैरह थी वो देखो मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करी है मैं आप लोग को दिखाती हूँ तो एक तो मैंने जो कि साड़ियाँ अभी मैं नई सर्दियों में पहनने वाली हूँ वो सब मैंने इस तरीके से एक बैग में और एक मेरे पास ये था इसमें मैंने सारी भर दी हैं और अब मैं इसमें क्या करूँगी नेफ्तलिन बॉल्स डाल दूंगी जिससे कि कीड़े वगैरह ना लगें तो मैं नैफ्तलिन बॉल्स भी इस पर रख लगा देती हूँ तो नैफोलिन बॉल्स मैं इनमें डाल के और इनकी चैन बंद करके पैक करके अलग साइड में रख दूँगी क्योंकि अभी बक्सा तो ऑलरेडी भरा हुआ है पूरा क्योंकि पहले मैं उससे गर्म कपड़े निकालूंगी फिर इन वाले कपड़ों को उसमें वापस से रखना भी है तो इनको सारे अलग कर लेती हूँ तो जब भी मेरे को न, मतलब कपड़े एक्सचें यानी कि गर्म कपड़े निकालने होते हैं या ये गर्म कपड़े रखने होते हैं तो पूरा दिन लग जाता है क्योंकि पहले वो रखो फिर दूसरे निकालो तो यही प्रॉब्लम थी तो मैं क्या करती हूँ कि इसी तरीके से बक्से में जो कि कपड़े साइड में रखती हूँ और जैसे कि कुछ ओढ़ने वाले या इस तरीके के कपड़े वो एक साइड में हाफ हाफ़ में आप लोग को दिख रहे होंगे बक्से में तो इसमें भी मैं नफ्तलिन बॉल्स डाल के रख देती हूँ जिससे कि खराब नहीं होते और देखो जैसे तय बना के मैंने रखे हुए थे उसी तरीके से इसमें से अब निकल रहे हैं तो सारे कपड़े मैं निकाल लेती हूँ पहले सारे कपड़े निकाल के वहां पर बेड पर रख लेती हूँ जिससे कि मेरे को आसानी हो तो देखो कितने सारे कपड़े लग रहे हैं ना पता नहीं पड़ोसियों के भी ले लिए शायद मैंने <laughs> तो अब करते हैं गरम कपड़े तो मैंने बक्से से सारे निकाल ही लिए लेकिन अब जो गर्मी वाले मेरे कपड़े थे उनको मैं सारे बंद करके रख देती हूँ तो कुछ मेरे पे ये अब टाइप की थी ये बैग्स छोटे छोटे तो कुछ जो मैंने मेरे नए कपड़े थे वो मैंने इस तरीके के जो बैग हैं मेरे पे उनमें रख दिया तो अगर मैं उसी जैसे थे कपड़े ना उसी तरीके से तय बना के रखूँगी तो जब मैं निकालूंगी ना तो मेरे को ऐसे ही मिलेंगे तो इसीलिए और और मेरे को ये, ये सब करने में आज मेरे को पूरा दिन लग गया तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ वैसे मेरे को काफ़ी टाइम हो गया तो जा रही हूँ अभी मैं यानी जो ठंडे कपड़े बोले तो गर्मी वाले कपड़े रखने के लिए अच्छा सर्दी किस किस को पसंद है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मेरे को ज़्यादा नहीं पसंद है हाँ ये जो टाइम है ये अच्छा है बट जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है ना जिसमें हाथ बाहर ही नहीं निकलते कंबल से यार वो तो नहीं चाहिए मेरे को वो वाली सर्दी नहीं पसंद है हेलो तो अभी बस मैंने क्या किया है कि जो कपड़े रखे हुए थे मतलब कि जो गर्मियों वाले कपड़े थे उनको निकाल के अब सर्दियों वाले कपड़ों के लिए अभी जगह ही बना पाई हूँ मैं इतनी देर से तो फिर कुछ पीने का मन कर रहा था तो मैं लेके आई हूँ ग्रीन टी तो गरम गरम क्योंकि हल्की हल्की सर्दियां आ गई हैं और इस टाइम में तो गरम वो जो है सॉरी ग्रीन टी बहुत अच्छी लगती है तो बस मैं जा रही हूँ ग्रीन टी पीने के लिए फिर से स्टार्ट करूंगी अब इन कपड़ों को रखना जो गरम कपड़े हैं क्योंकि जो गर्मियों वाले कपड़े हैं वो तो मैंने निकाल दिए हैं और सर्दियों वाले जो कपड़े हैं उनको अब मैं अलमीरा में रखूंगी तो बस अब जल्दी से इसको पी लेती हूँ और फिर चलते हैं फिर से काम स्टार्ट करने के लिए तो बस मैं ग्रीन टी पी ही रही थी तो बीच में ही फिर अभी का फोन आ गया लंच के लिए क्योंकि हम लोगों ने लंच भी नहीं किया था और तो अभी को आ, लंच में खाने थे तहरी तहरी खानी थी उनको तो ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैं वापस यार किचन में आ गई तहरी बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं कट कर लेती हूँ सब्ज़ियाँ तो मैं डालूँगी तहरी में क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा पड़ा है तो मैं बहुत ज़्यादा सब्ज़ियाँ नहीं डाल रही हूँ मैं बस गोभी और आलू यस yes, यही दोनों चीज़ें डालूँगी और फिर गोभी को अच्छे से चेक कर आप लोग भी जब भी बनाएं गोभी तो एक बार चेक कर लें क्या होता है ना कि इसमें बीच बीच में कीड़े छिपे हुए होते हैं तो अच्छे से देख के करें तो इसमें मैंने हींग और जीरा छोड़ दिया फिर इसमें मैंने ये छोटा छोटा कट किया था लहसुन और फिर जैसे ही लहसुन रेड हुआ उसमें मैंने प्याज भी डाल दी अब प्याज को अच्छे से पका लेंगे थोड़ा सा रेड हो जाए प्याज ठीक है प्याज मेरी रेड हो गई अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है और धनिया पाउडर और अब हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर सारे मसाले डाल दूँगी जो भी डालना है और इसमें अब मैं नमक डाल दूँगी जिससे कि जो टमाटर मैंने डाला है वो अच्छे से पक जाए और इसका ढक्कन लगा के ढक के रख दूंगी जिससे कि मेरे जो टमाटर हैं वो जल्दी से पक जाए तो देखो टमाटर पक चुके हैं और इस तरीके से इसे दबा के क्या होता है ना कि अगर उसमें दिखते हैं ना बड़े बड़े टमाटर अच्छे नहीं लगते तहरी में तो इसको क्या करेंगे इससे मैश कर लेंगे कि टमाटर ना दिखें इस तरीके से और देखो टमाटर ऑन सबसे जो तरीका होता है कि पक गए या नहीं पके कि जो ऑयल है वो छोड़ देते हैं ये साइड से ऑयल दिखना स्टार्ट हो जाता है तो ये भी पक चुके हैं अब मैं इसमें सब्जियां डाल देती हूँ तो सब्जियों को इसमें मिक्स कर लेंगे मसाले में और अब इसमें चावल धो के मैं चावल भी डाल दूँगी बस चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे सब्ज़ियाँ और चावल और अब इसमें मैं पानी डालूँगी तो जो पानी डालना है वो बस ये हल्के से डूब जाए उतना ही पानी डालना है जो मेरा अंदाजा है और इसमें मैं तीन सीटियाँ हैं अब अब पानी पे भी डिपेंड करता है किसके यहाँ का कैसा पानी है कितनी देर में बनता है और मैंने तुरंत ही कुकर खोल दिया था तो देखो मेरी तहरी बन के तैयार हो चुकी है मन कर रहा है ना खाने का हेलो गाइस तो कपड़े देखो पीछे रखे हुए हैं काम छोड़ के अभी हम लोग कर रहे हैं लंच अभी खा रहे हैं मेरा भी रखा हुआ है ठीक <laughs> है तो फिर बाद में करती हूँ कपड़े मतलब बाद में कपड़े रखती हूँ और अभी हम लंच कर लेते हैं बाय गॉड ओके बाय तो मैंने तो लंच कर लिया बट मैं आप लोगों से पूछना भूल गई आप लोग भी कर लो और अभी मैं जा रही हूँ ये कपड़े रखने के लिए तो मैंने मैं हमेशा यही करती हूँ जिससे कि अभी को कपड़े ढूंढने में आसानी हो कि एक साइड में तो अभी की जैकेट्स रखी हैं मैंने एक साइड में स्वेटर और एक साइड में मैं स्वेट शर्ट्स रख देती हूँ और फिर मैं कुछ कपड़े अपनी भी जैकेट में अभी के मैं ही रख दूंगी क्योंकि अभी के में काफ़ी स्पेस है तो ये हैं अभी के सारे कपड़े और मैं साथ में अभी से बातें भी करती जा रही हूं और काम भी कर रही हूं तो फाइनली मैंने अभी के तो सारे कपड़े रख दिए अब मैं अपने भी सारे आराम से बैठ के क्योंकि अब बस थोड़ा ही काम रह गया है और लग शाम भी होने वाली है तो अब मैं अपने कपड़े रख देती हूँ तो लेकिन अभी मेरे टॉप रह गए थे जो कि मेरे को पैक करके रखने हैं क्योंकि अब इन इनको तो मैं पहनने वाली नहीं हूँ क्योंकि सर्दी आ गई है तो ये सब भी मैं बंद करके रख देती हूँ अच्छा जिस जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे को मेरा चैनल सब्सक्राइब किया क्योंकि जब आप लोगों को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को एक आ, ऐसा मतलब कि मोटिवेट होती हूँ मैं कि हाँ यार अच्छा है लोग पसंद कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो ये भी काम कितना टफ होता है ना कि सारे कपड़े अलग अलग करना बट हाँ ये है कि यार कुछ भी नहीं है तो अपना टाइम पास तो हो ही जाता है हाँ मेरे लिए तो ये भी आज का मेरा पूरा दिन इसी काम में चला गया मेरे को लगा अरे यार और पहले जब मैं पता है ये वीडियो भी नहीं बनाती थी यूट्यूब पे उससे पहले मैं क्या किया करती थी जैसे मैं दोपहर में खाली होती थी ना जैसे खाना बनाया लंच वग़ैरह बनाया लंच किया उसके बाद बस पबजी 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 खेलती रहती थी और रात को मैं और अभी दोनों पबजी साथ में खेलते थे बट पबजी अब हो गया है बैन तो अब मैं अपना घर के कामों में लगी रहती हूँ बट इसमें मेरे को मज़ा आ रहा है अब तो फाइनली रात हो चुकी है बोले तो सात बज गए और मैं अभी अभी मेरा काम ख़त्म हुआ है जो कि मेरे को गर्म कपड़े इधर करने थे तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसमें सारे मैंने गर्म कपड़े लगा दिए हैं तो इसमें ये कुछ जैकेट्स मेरी भी हैं और इसमें अभी के सारे अभी के तीन चार जैकेट्स मेरी हैं बस और ये मेरे स्वेटर्स हैं नीचे ठीक है और उधर मेरे डेली यूज के कपड़े हैं गर्म क्योंकि मैंने अपने सारे जो गर्म मतलब कि गर्मी वाले जो कपड़े थे वो सारे तो मैंने बंद उठा के रख दिए और सारे जो डेली वाले कपड़े हैं गर्म वो निकाल लिए जैसे कि ये वाला जो पहन रखा है ये भी गर्म है <laughs> तो बस हो गया मेरा काम